सुनो दिल्ली, मैं हमसाया तुम्हारा श्रीनगर से बोलता हूं। ये कैसी बाढ़ आई थी, बहाकर ले गई सब कुछ। तुम्हारे अच्छे दिन तो खैर क्या आते, हमारे बीच संविधान या आईन का जो बेनिशां पुल था, तुम्हारे जाफरानी जोर ने अब तोड़ डाला है। मैं वादी से परे नीचे को जो अब झांकता हूं, एक चुप सी लग गई सबको। सभी खुश हैं या थोड़े लोग जो चुप हैं। ये 35A का या 370 का जो तूफान है क्या है? सभी से पूछता हूं, बोलता कोई नहीं। तुम्हारे हर सभा से एक ही आवाज आती है, याइन कह रहा है कि हमारी औरतें अब बेटियां बहने नहीं हैं, ये मफ्तूहा रियाया है जिन्हें कोई किसी मैदान जंग से जीत लाया है। याइन कह रहा है कि हमारी ये जमीन, वादी, पहाड़ और ये घने जंगल कि जिन पे बर्फ गिरती है तो फिल्मिस्तान में गुलजार कोमल गीत कहता है। बशारत पीर लिखता है, ये सब अब भगत लोगों की अमानत है। याइन कह रहा है कि मैसूमा से रैनावारी तक, फतेह कदल से नौहट्टा तक, ये सड़कें, पुल, दुकानें, हस्पताल और जो भी बंदोबस्त एक खैरात की सूरत हमारी जिंदगी की डोर को कटने नहीं देती। ये कर्जा था जिसे हमको समेत अब सूद के वापस चुकाना है। रियासत कह रही है, ये उसे हर एक सहूलत के एवज दरकार है वादी, भले उसमें कोई शहरी ना रहता हो। रियासत सोचती है, ये इसे तारीख की गलती मिटानी है, भले से कई इंसान मिटते हों। रियासत को कोई जाकर बता दे, सरदें तो आए दिन रास्ता बदलती है, हमारे और तुम्हारे अब बही खाते नहीं मिलते। तुम्हारे जुल्म का और कहर का और आंख से सपने चुराने और बदले में उन्हें सीसों से भर देने, हमारे जेलमों में पानियों को खून से रंगीन कर देने, हमारे खूबसूरत नौजवान बेटों को माओं से विदा करने, हमारी दास्तानों को मोहब्बत से सवा करने का जो एक कर्ज है तुमको चुकाना है। सुनो दिल्ली, जबर की बाढ़ से जो कुछ बचा है इसको अब आबाद होना है, मुझे आजाद होना है।